डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 11.4 के सम करेंगे 7th एंड 8th। 7th सम स्टूडेंट्स, इफ द एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, यदि एक क्यूब का एज यानी कि सिरा या किनारा डबल कर दिया जाए, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो इसका सरफेस एरिया कितने गुना इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और इसकी वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगी, और हमें दिया कुछ नहीं है तो हमने इसका एज भी सपोज करना पड़ेगा। सपोज द एज ऑफ ए क्यूब, कितना भी सपोज कर सकते हो, 1 मीटर कर लेते हैं। तो अब इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। पहले सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6 × साइड स्क्वायर, ये सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है क्यूब का, 6 × 1 मीटर का स्क्वायर, और 1 मीटर का स्क्वायर क्या होएगा, 1 मीटर ही होएगा, तो ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम, ऑफ ए क्यूब इक्वल टू साइड की पावर 3, 1 मीटर की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 क्यूब मीटर। अब व्हेन इट्स एज इज डबल्ड, जब इसका जो सिरा है वो डबल कर दिया जाए, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, 6 × साइड स्क्वायर मीन्स 6 × 2m² अब 2m² क्या होगा, 6 × 4m² 2² मीन्स 2 × 2, 2 × 2 क्या होता है 4, और m का स्क्वायर क्या होगा, m² तो ये हो गया स्टूडेंट्स 24 m², और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब मीन्स 2m³। अब 2m³ मीन्स क्या है, 2m × 2m × 2m, 2 × 4, 4 × 8, और m को 3 × करेंगे तो m³, 8m³। अब देखो सरफेस एरिया पहले तो आया था 6m², फिर हो गया 24m², तो कितने टाइम बढ़ गया, ये 4 टाइम, 6 × 4 जा होते हैं 24, और वॉल्यूम पहले तो थी 1m³ और फिर आ गई 8m³, तो ये कितने गुना बढ़ गई, 8 टाइम। तो अब हम यहां लिखेंगे 10 में इस प्रकार, द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड 4 times and volume is increased by 8 times। इसका सरफेस एरिया तो 4 times increase हो गया स्टूडेंट्स, और वॉल्यूम 8 times increase हो गई,
और ये 7 सम अपना कंप्लीट हो गया। अब 8th सम करते हैं। 8th सम है स्टूडेंट्स, वाटर इज प्योरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। एक क्यूबॉइडल शेप में तालाब है या टैंक बोल दो, तालाब बोल दो, जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है, उसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। उसमें 60 लीटर पर मिनट की रेट से वाटर डाला जा रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वॉयर इज 108 क्यूब मीटर, यदि रिजर्वॉयर की वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब मीटर है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर। तो हमें ये निकालना है कि कितने घंटे में या रिजर्वॉयर को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ये हमने निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए रिजर्वॉयर इक्वल टू 108 क्यूब मीटर। सो वाटर कैन बी प्योर इन द रिजर्वॉयर इसलिए रिजर्वॉयर में जितना पानी डाला जा सकता है इक्वल टू 108 क्यूब मीटर मल्टीप्लाई 1000। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके लीटर बन जाएंगे 108, इसके पीछे 3 टाइम जीरो लगा दिया, ये आ गया लीटर्स। ऐसा क्यों किया, बिकॉज 1 क्यूब मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। क्यूब मीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर इतना पानी हमने डालना है। अब हमारे पास स्पीड क्या है पानी डालने की, सिंस द रेट ऑफ ए प्योरिंग द वाटर इन रिजर्वॉयर इक्वल टू 60 लीटर पर मिनट। क्योंकि रिजर्वॉयर में पानी डालने की जो रेट है वो 60 लीटर पर मिनट है, सो टाइम विल टेक टू फिल द रिजर्वॉयर इक्वल टू जो रिजर्वॉयर की कैपेसिटी है उसको रेट से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। इसको 60 से डिवाइड कर दो, 60 के लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कैंसिल हो गई, 6 से इसको कैंसिल करो, 6 1 जा 6 बचे 4, 6 8 जा 48 और ये 2 टाइम जीरो, ये आ गया 1800 मिनट्स। और हमने निकालना है टाइम को आवर्स में, तो कैसे बनेंगे इसके आवर, इसको 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 3 जा और 6 0 0 ये हो गया 30 आवर्स। तो उसको पूरा भरने में 30 आवर्स का टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। और ये अपना 8th सम कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो गया।